माँ झूला देवी मंदिर जो कि रानीखेत से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो चौबटिया गार्डन एप्पल गार्डन की मेन रोड है उसी रोड में ये है। चौबटिया से पहले आपको मिलेगा और रोड से टच होते हुए है बिल्कुल साइड में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक प्लेस है। अगर आप ऐसा कुछ हिस्टोरिक टेम्पल ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आइए और टेम्पल को एक्सप्लोर कीजिए। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ रानीखेत, माँ झूला देवी टेम्पल। तो इस टेम्पल की भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी भी है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये रानीखेत में, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं झूला देवी टेम्पल को। जस्ट मेरे पीछे जो है वो झूला देवी टेम्पल है, तो मैं इस मंदिर को एक्सप्लोर करता हूँ और मतलब टूरिस्ट विजिटिंग प्लेसेस है क्या क्या यहाँ की स्पेशलिटी है वो सारा एक्सपीरियंस करने के बाद में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मंदिर के अंदर आएंगे अगर स्टार्टिंग से आप मतलब बाहर से लेके अंदर तक, तो इतनी सारी यहाँ पे घंटियाँ वाली हैं और शायद बहुत सारे लोगों ने मन्नत मांगी होगी, तो बहुत सारी घंटियाँ हैं यहाँ पे चारों तरफ। आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। अभी मैं गया हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पे मतलब पुजारी जी जो हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं और अगर वो हमें इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कितने साल पुराना मंदिर है, क्या चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ की घंटी, इतनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ पे। अगर कोई आता है ना तो मतलब जानकारी होना ज़रूरी है यहाँ पे ना। देखिए यहाँ पर ऐसा है, ये मंदिर जो है ये कुलदेवी है झूला पिलखोली गाँव का। कैसे हुआ, आज से 700 साल पुराने की बात है। ये जो जंगल था ये सबसे नज़दीक पिलखोली गाँव था इसका, पिलखोली गांव वाले बोलते थे ये जंगल हमारा है। तो यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए, गाय चुगाने के लिए और घास काटने के लिए आते थे। जी जी। अभी होता क्या था कि उनको बाघ का डर रहा। तो क्या हुआ कि माँ ने एक बुजुर्ग को एक आभास दिलाया, एक उनको कहा कि देखो मेरी मूर्ति यहाँ पर पड़ी है, तुम इसको स्थापित कर लो तो तुम्हारा डर कम हो जाएगा। तो आए ये जगह पे, उनको एक पिंड रूप में पाषाण की मूर्ति मिली, उन्होंने उसको यहाँ पर स्थापित कर लिया। और जब जब यहाँ पर वो आते थे हाथ जोड़ जाते थे और दिया जला देते थे। छोटा मंदिर जो है गाँव के होते हैं, छोटे मंदिर वैसा बना लिया जानवरों से बचने के लिए, बाघ के लिए, बाघ और मैया दुर्गा देवी। अच्छा, दुर्गा देवी माता, हाँ, दोनों का बहुत क्लोज सामंजस्य माना जाता है हिंदू में। अब वो जब यहाँ पर आते थे तो उनको टाइम होता था तो वो झूला खेलते थे बच्चे, जो भी जो यहाँ जो लोग करने आते थे। मैया ने फिर से उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरे लिए भी झूला बनाओ। और यहाँ तो निर्जन जगह है, यहाँ पर तो बिल्कुल कोई रोड वोड था नहीं। तो ये उन्होंने यहाँ मैया को झूला पे रख दिया और ये एरिया का नाम झूला देवी रख दिया। और जैसे मैंने बाहर पढ़ा ये 700 साल पुराना मंदिर है। 700 वो 25 साल पहले लिखा हुआ है। अच्छा, तो 750, इसलिए हम बोलते हैं 700। अच्छा, मतलब लगभग 700 से 750 साल पुराना मंदिर। अच्छा, इतना पुराना। अब फिर क्या हुआ कि चलता रहा ये छोटा सा मंदिर रहा, जब जब लोग आते थे हाथों हाथ जोड़ते ले जाते थे। जब यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने ये एरिया एक्वायर कर लिया, कैंट बना दिया। लगभग एक एकड़ एरिया उन्होंने हिंदू रिलीजन को, ठीक है आप अपना आपने झूला देवी की प्रार्थना उनकी देख रेख करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो रोड बन गई तो यहाँ पर आवाज़ ही ज़्यादा होने लग गई। आवाज़ ज़्यादा हो गई तो इसमें पैसा आने लग गया मंदिर में, थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया। तो गाँव वालों ने कहा हम पिलखोली के ही हैं पंडित लोग। जी जी। हमारे एक परिवार को बोला भाई तुम वहाँ जाके देख लो, मैया को देख लो, तुम्हारा रोजगार मिल जाएगा, थोड़ा पैसे से मिल जाएंगे और मैया की देख लेंगे। तो वैसे आप यहाँ पे कितने साल से देखभाल कर रहे हैं? हम तो बचपन से ही। आप बचपन से ही? हमारे पिताजी थे वहाँ। अच्छा, आपको कितने साल हो गए इसी मैया के मंदिर में?
मैं 64, 65, 66 में लग रहा हूँ। 66 ईयर्स आपकी एज होगी। हाँ मैं चल रहा हूँ। और जैसे यहाँ पे कभी मेला वगैरह भी लगता है तो क्या टाइमिंग रहता है उसका? ये लगता है जन्माष्टमी में लगता है यहाँ मेला, और टाइमिंग सुबह से शाम तक। अच्छा, मतलब जन्माष्टमी के आसपास। उस समय तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं हो पाती। काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, और ये नवरात्रियाँ जो आती हैं साल में 2 बार, उनमें भी भीड़ होती है, आते हैं जाते हैं। और बीच बीच में जितने भी जैसे शादी हुई या लोग मिलना चाहते हैं मैया। तो वैसे भी जब हम रानीखेत से मतलब बाहर जाते हैं ना, तो मतलब एक रानीखेत का कैसा अट्रैक्टिव और आप कह सकते हो टूरिस्ट पॉइंट है कि हर कोई इसके बारे में जिक्र करता है। हम नेट पे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो झूला देवी माता के बारे में बहुत कुछ बताया गया है वहाँ पे। तो ये अब आज की डेट में अब यहाँ की मान्यता ये है कि आप आए हो, कोई आपको काम रुका हुआ है, माँ से आपने प्रार्थना की, काम हो जाता है, तो आप आते हो और पूजा करते हो यादगार के लिए। एक चीज़ मुझे और बताइए, जो इतनी सारी यहाँ पे घंटियाँ बजी हैं, ये इसका मतलब? कोई काम रुका हुआ है, माँ से प्रार्थना करो, जब काम हो जाता है तो आप आओ, पूजा करो और एक घंटी लगा जाओ, तो इतने लोगों की मनोकामना पूरी है। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी जैसे कि हम मंदिर के अंदर गए और हमने यहाँ पे पुजारी जी से बात करी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें इस मंदिर के बारे में। और एक ऐसा प्लेस है गाइस, एक्सपीरियंस जो था ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। मतलब एक ऐसी जगह है कि अगर आप रानीखेत आते हो तो ज़रूर से ज़रूर आने वाली हैं। और धीरे धीरे मैं सारी ही जगह कवर कर रहा हूँ जिस जगह पे अभी मैं हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा आर्मी एरिया भी है, तो यहाँ पे कैमराज वगैरह उतना अलाउड नहीं है। मतलब मंदिर के वहाँ तक आप ले सकते हो, मंदिर से आगे कोई एक आर्मी का चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे कैमरा उतना अलाउड भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, अंदर मैंने मंदिर में भी देखा तो आर्मी वाले जो है, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करवाया जा रहा है, और सेफ्टी की कई सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जानवर मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो कि पहले से यहाँ पे काफ़ी फेमस है कि जो यहाँ के जंगली जानवर थे वो विलेजर्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे थे। तो उस नुकसान को बचाने के लिए माँ झूला देवी का जो टेम्पल है वो बनाया गया। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी भी ये सारी चीज़ें, बंदर आपने देखे कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, तो इंडियन आर्मी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जाली वगैरह लगाना और पीछे पेंट वगैरह करना, तो काफ़ी मतलब उनकी तरफ से भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। कह सकते हो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। आप मेरे पीछे देखेंगे तो घंटियाँ भी यहाँ पे इतनी सारी हैं। आप स्टार्टिंग में अगर आप मंदिर देख लोगे तो मतलब अंदर से लेके बाहर तक। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ झूला देवी टेम्पल, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। मतलब अंदर आप अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लगेगी, कितना साल पुराना मंदिर है। तो अभी झूला देवी टेम्पल के बाद मैं बाहर आया तो यहाँ पे एक राम मंदिर भी है पीछे। मतलब ये एक रोड जा रही है जो कि मतलब पीछे एक गांव है कुंडला खेत नाम का, तो वहाँ को ये रोड भी जा रही है। और रोड के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ऊपर राम मंदिर के लिए सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। तो गाइस मतलब आप आते हैं तो झूला देवी से 2 कदम आगे ही है राम मंदिर, और ये रोड भी जा रही है जो मेरे पीछे ये वाली है, मतलब जो सीमेंटेड रोड है ये वाली भी जा रही है। बट ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आप जा सकते हैं राम मंदिर की तरफ। तो अभी हम आ रहे हैं राम मंदिर की तरफ को जा रहे हैं, और लगभग 50 मीटर होगा रोड से नीचे से ऊपर को, और आप जाते हैं राम मंदिर। मतलब अगर आप झूला देवी आए थे तो राम मंदिर पास में ही है। तो ये है राम मंदिर का गेट, और हम पहुंच गए हैं राम मंदिर पे, नियर बाय झूला देवी। अब जा रहे हैं ऊपर को। गाइस लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आएँ तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए।